तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी पेड गेम आज फ्री में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और आज आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आप पेड गेम्स को या ऐप्स को फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको कोई गेम या एडिटर वेडिटर कुछ दिखाता हूँ जो पेड हो, जिसके लिए पैसे लगे हमें। तो दिखाता हूँ मैं आपको पेड फोटो एडिटर्स, दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने सर्च मारा पेड फोटो एडिटर्स, इनमें से कोई भी चुन लेता हूँ मैं। जैसे ये सबसे महंगा है 1650 का, ये फ़ोटो एडिटर HDR FX Pro। तो दोस्तों मैं इसे डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हो आप कितना महंगा ऐप है फिर भी। तो आपको सीधा जाना होगा यहाँ पे क्रोम में या गूगल में जाओ आप, और आपको सर्च मारना होगा blackmart.apk। तो क्या है, ऐसे ही कर दो सिर्फ। यहाँ से आपको ये APK डाउनलोड करना होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, और मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो डिस्क्रिप्शन से कर सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास ये डाउनलोड है पहले से ही, ये रहा। तो मैं इसे मतलब ओपन करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम एग्री वैग्री सब कुछ करके उस ऐप का नाम देख लेते हैं, ये अपडेट हो रहा है दोस्तों, बस थोड़ी सी देर लगेगी। ये दिन भर बार बार अपडेट मांगते रहता है, बस आपको एक बार ही करना होता है दिन में। और उसके बारे में आपको ये ऐसे दिखा देगा, स्कैनिंग कंटिन्यू इंस्टॉल, और आपको करना होगा दोस्तों इसे इंस्टॉल। इसे इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ी सी देर रुक जाओ दोस्तों बस। तो दोस्तों ये हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इसे डन कर देता हूँ और उस ऐप का नाम देख लेता हूँ मैं। तो इसका नाम है फोटो एडिटर HDR FX Pro। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ वापस, कहाँ गए वो ब्लैकमार्ट। तो इसमें वापस जा रहा हूँ दोस्तों एक बार ब्लैकमार्ट में, अगरी ये दोस्तों खुल रहा है। और अब मैं इसे कर देता हूँ फोटो एडिटर FX HDR FX Pro, कुछ ऐसे नाम था उसका, HDR FX Pro। तो दोस्तों ये रहा HDR FX Pro, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली ये कोई पैसा नहीं मार रहा है यहाँ से, और हम सीधा यहाँ से इंस्टॉल करेंगे इसे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बस इंस्टॉल हो रहा है, 30 MB का है। तो जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रूव ये रियल में डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। तो आपको सीधा जाना होगा वापस अपने प्ले स्टोर में, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फोटो एडिटर है, ये आपको थोड़ी दिखाएगा कि डाउनलोड करने के लिए आपको इतने पैसे लगेंगे, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ये बस इसे डाउनलोड होने दो, वहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा प्ले स्टोर में। तो बस थोड़ी सी देर लग रही है दोस्तों, देख लो यहाँ पे। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू। देख सकते हो दोस्तों ये बहुत अच्छा एडिटर है, और इसीलिए इसके 1650 रुपये लग रहे हैं प्ले स्टोर में इसे डाउनलोड करने के, पर मैं आपको ये फ्री में डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। ये 26 MB का हो चुका दोस्तों, बस थोड़ी सी देर और, 30 का है ये, और ये बस इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों। यहाँ एकदम प्ले स्टोर जैसा ऐप है, और कोई भी आप इसे यहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे देख सकते हो ये इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों ये एकदम फुल्ली फंक्शनल और अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आपको दिखा देता हूँ, ये ओपन में जाता हूँ मैं इसे, और ओपन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा ट्रेलर इसका। तो ये ओके कुछ परमिशन मांगिएगा, और ये गैलरी में आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हो दोस्तों। जैसे दिखाता हूँ मैं, गैलरी में जाता हूँ मैं, पर दोस्तों ये मेरी प्राइवेट फ़ोटोज़ है, मैं आपको उसे दिखा नहीं सकता दोस्तों, सॉरी। लेकिन मैं आपको प्ले स्टोर में दिखा सकता हूँ, ये ओपन में आ चुका है। चाहूँ तो मैं इसे वापस अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ।
तो दोस्तों यही ट्रिक थी पेड ऐप्स को फ्री में डाउनलोड करने की। इससे आप कोई भी गेम या कोई भी ऐप जो पेड हो उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। दोस्तों ये देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे ऐप हैं। तो बस यही थी मेरी ट्रिक, गुड बाय दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।